राम राम सभी साथियों को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी क्रम में हमारा प्रैक्टिस सेट 56वां होने वाला है। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पंचायती राज व्यवस्था की जो फुल सिलेबस था उसको हमने कवर कर रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देने। सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट की सारी जानकारी आपको मिल सके। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में काम करता है। पिछले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी थी उमंग ऐप की। जो उमंग ऐप है वो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, तो वो कितनी भाषाओं में काम करता है। ऑप्शन है हमारे सामने 10 है, 11 है, 12 है या 13 है। तो उमंग ऐप जो है वो 13 भाषाओं में काम करता है। कितनी भाषाओं में काम करता है, तो 13 भाषाओं में काम करता है उमंग ऐप, जो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ई गवर्नेंस में G2C किसको संबोधित करता है। G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू कस्टमर। तो क्या मतलब है इसका, गवर्नमेंट टू सिटीजन जो है, कस्टमर नहीं सिटीजन है, माफ करिएगा, सरकार से नागरिक, मतलब गवर्नमेंट से सिटीजन तक का ये कनेक्शन है। ई गवर्नेंस में G2C का मतलब है सरकार से नागरिक या गवर्नमेंट से सिटीजन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई थी। भला जो ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से सरकार चलाने की तरीका है, सुविधा है, वो कब शुरू हुआ था, किस दशक में शुरू हुआ था। ऑप्शन है हमारे सामने 1966, 1968, 1969 या 1970। जो इसका सही जवाब है, भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक में हुई थी। ई गवर्नेंस से अभिप्राय सरकार द्वारा सेवाएं एवं सूचनाओं को जनता द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले वैद्युत साधनों का प्रयोग कर जन साधारण को उपलब्ध कराने का है। वही बताया आपको, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे जो चीज पता लग जाए उसे ही ई गवर्नेंस कहते हैं। आप आज के समय में बहुत से अपने मोबाइल पे देख सकते हैं ई गवर्नेंस की एग्जाम्पल, जैसे आधार कार्ड होगा, हर चीज का मैसेज आता है, मोबाइल पे OTP आता है, ये सब ई गवर्नेंस ही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन है जियो सर्च, वात्सल्य, जियो फॉरेस्ट या IRCTC। तो किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता जियो सर्च द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो जियो सर्च ऑप्शन है, जियो सर्च द्वारा आप उस गांव की पूरी जानकारी को पता लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसमें ऑप्शन है पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। चार ऑप्शन है, चारों मंत्रालय हैं भारत सरकार के, इनमें से किसको पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। तो आपको बताऊं, पंचायती राज मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया, पंचायती राज मंत्रालय को किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सामान्य सेवा केंद्र, जिसे इंग्लिश में कॉमन सर्विस सेंटर शॉर्टकट में CSC बोलते हैं, ये किस मंत्रालय की पहल है, मतलब किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है, नीचे काम करता है। तो ऑप्शन हमारे सामने, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय। तो सामान्य सेवा केंद्र जो है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय की एक पहल है और यह राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना की एक रणनीतिक आधारशिला है, जिसे मई 2006 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह बड़े स्तर पर ई गवर्नेंस को शुरू करने हेतु राष्ट्रीय सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में प्रतिबद्धता के रूप में है। तो किसके द्वारा यह शुरू किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय जो है 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी।
2006 में किसकी सरकार थी, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस टाइम। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब हुई थी। हमने NIC का नाम बहुत सुना होगा, कोई भी सरकारी साइट खोलेंगे तो उसके नीचे NIC द्वारा ही, मतलब उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्सर्ड किया जाता है। NIC सारी जानकारी उन्हें देता है, जो भी सरकारी साइट्स होते हैं हमारे। तो इनकी जो स्थापना हुई थी NIC कब हुई थी, 1965 में, 1968 में, 1971 में या 1977 में। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना 1977 में की गई थी। कब की गई थी, 1977 में की गई थी, 1977 में की गई थी, एक मिनट, 1977 चल जा भाई, नहीं चलना इसे, 1977 में की गई थी। और यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है, जिसका उद्देश्य ई शासन संबंधी सेवाएं प्रदान करना, सर्वोत्तम साधनों का विनिर्माण करना, सरकारी क्षेत्र में एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है। तो इसकी स्थापना NIC कब हुई थी, 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ई नाम का अर्थ है। ई नाम कोई मतलब प्रोजेक्ट है सरकार का, उसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। ऑप्शन चार है, उसमें से जो ई नाम का अर्थ है वो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब सी ऑप्शन जो है, नेशनल एग्री, एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर मतलब कृषि, मार्केट से, एम से मार्केट, मार्केट मतलब बाजार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऑनलाइन वाणिज्य मंच है, जिसका मकसद किसान, व्यापारियों और क्रेताओं को एक मंच के माध्यम से ऑनलाइन वाणिज्य की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल देश भर में कृषि बाजारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जोड़ने में काम करता है, मतलब किसानों के लिए बनाया गया कृषि से जुड़ी यह प्रोजेक्ट है या ऐप है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर, एम से मार्केट, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया गया है, उसका क्या नाम है। मतलब किसके लिए शुरू किया गया है, यूजर की सुगमता हेतु, मतलब जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं, तो कौन सा ऐप है जिसके तरह या वेब पोर्टल है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ई ग्राम स्वराज, ई गांव स्वराज, ई पंचायत स्वराज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने यूजर की सुगमता को बेहतर करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज नाम है उनका, इलेक्ट्रॉनिक ग्राम स्वराज नाम है उस वेब पोर्टल का, जिसके जरिए पंचायती राज व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मजबूत करने की सरकार की पहल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्शन है हमारे सामने 58,002, 57,705, 5,820 या 56,004। जो सही जवाब है वो, उत्तर प्रदेश में अभी हमारे मौजूदा 57,705 ग्राम पंचायतें हैं, 57,705 ग्राम पंचायतें हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितनी पंचायत है। उत्तर प्रदेश में 57,000 है, तो भारत में कितनी होंगी, तो भारत में अभी 264,660 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी है, 264,660 ग्राम पंचायतें भारत में हैं। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने पंचायतों में जियो टैगिंग शुरू की गई है। जियो टैगिंग होता है मतलब जो भी वहाँ कार्य चल रहा है उसका डायरेक्ट फोटो अगर आप देते हैं, काम चलता जैसे जैसे चलता रहता है, हर स्तर पर, हर लेवल पे उसकी फोटो की जाती है जियो टैगिंग के माध्यम से। जियो टैगिंग यही है कि जो भी वहाँ काम हो रहा है डायरेक्ट सरकार को पता लग रहा है। तो कितने गाँव में भारत में शुरू कर दिया गया है जियो टैगिंग को, तो ऑप्शन हमारे सामने जो है, 249,147 गाँव में जियो टैगिंग पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है। कितने गाँव में शुरू हो चुका है, तो आप कहेंगे 249,147। कितने टोटल गाँव थे, 264,000, और कितने में हो चुका है, 249,000 में।
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत कितने ग्राम पंचायतों में समर्थ अभियान का शुभारंभ किया? ऑप्शन है हमारे सामने 50,000, 40,000, 60,000 या 10,000। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ के अमृत महोत्सव में 50,000 ग्राम पंचायतों में समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है? तो समर्थ अभियान का उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। कितने गांव में शुरू हुआ है? तो 50,000 गांव में समर्थ जो योजना है, समर्थ अभियान को चलाया गया है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात की गई है और UPI डिजिटल लेन देन पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दूत परियोजना कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2000 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 2001 में या वर्ष 2002 में? जो इसका सही जवाब है, ज्ञान दूत परियोजना वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था। यह कम लागत वाली स्वयं आधारित एवं समुदाय के स्वामित्व वाली ग्रामीण इंटरनेट प्रणाली है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के जिलों में ग्रामीण समुदाय के विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती है। ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दूत योजना के बारे में क्या सत्य है? बेरोजगार शिक्षित युवाओं को सूचनालय को सूचक के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह परियोजना वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। लगभग 600 नेटवर्क इस नेटवर्क के अंतर्गत है या उपयुक्त सभी? तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो ऊपर के ABC ऑप्शन थे बिल्कुल सही थे, तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, डिजिटल भूमि परियोजना के बारे में सही तथ्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की परियोजना है, ठीक है। दूसरा है, यह उत्तर प्रदेश की ग्रामीण भूमि से संबंधित ई सेवाओं का विस्तार है। तीसरा है, यह शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल है। चौथा है, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी जैसा कि हमने देखा ABC तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे, इसलिए इसमें भी डिजिटल भूमि परियोजना भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें जो भी जमीन के कागज हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि से संबंधित है और यह शासन सेवा वितरण प्लेटफॉर्म का कुशल मॉडल भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में क्या सत्य है? अब ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में चार ऑप्शन होंगे, उन्हें हम देखते हैं फिर बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है, बिल्कुल सही है। हर स्टेट में से चलाया जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकरण करना है, या बिल्कुल सही है। जात आय निवास जो भी है सब इसके द्वारा बनाया जाता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। उसके बाद सी ऑप्शन है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन, विनिमय आदि सेवाओं शामिल है। यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसमें भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ई चौपाल नामक एक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया था? कौन सी कंपनी थी? ITC थी, डाबर थी, रिलायंस थी या अडानी ग्रुप था? तो जून 2000 में ITC ने ई चौपाल नामक एक ग्रामीण विपणन नेटवर्क शुरू किया था। ई चौपाल ITC लिमिटेड द्वारा भारत आधारित व्यवसायिक पहल है जो ग्रामीण किसानों को इंटरनेट उपलब्ध कराती है। ITC है, ITC बहुत बड़ा फर्म है प्राइवेट, इन्होंने ही ई चौपाल सन 2000 में शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में क्या सत्य है? चार ऑप्शन होंगे, हमें देखना है उनमें से क्या सत्य है। भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया था। 1987 में दिया गया था, उसी टाइम राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और कंप्यूटर जो भारत में आया था वो उसी टाइम आया था। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र DISNIC का शुभारंभ किया गया। यह भी बिल्कुल सही है, इसलिए इस क्वेश्चन में भी जो हमारा
डी ऑप्शन है उपयुक्त, तो सभी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा, वह डिजी लॉकर से संबंधित है। डिजी लॉकर के बारे में आपने सुना होगा, अपने मोबाइल में अपने डिजी लॉकर ऐप भी रखा होगा, उसमें आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, 10वीं के 12वीं के आधार कार्ड पैन कार्ड सब डाउनलोड अपने आप सरकार की वेबसाइट से हो जाएगा और वहां आप रख सकते हैं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना है, बिल्कुल सही बात। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसे आप कागज के रूप में जो लेके इधर उधर जाते थे वो आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करिए, रोल नंबर डालिए अपना, उसमें आपका 10वीं का रिजल्ट आ जाता है। और इसमें दस्तावेजों की प्रमाणता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था है। जो भी दस्तावेज है वो जब डाउनलोड हो रहा है तो ऑनलाइन सत्यापित भी हो जा रहा है, मतलब उसे वेरीफाई भी कर दिया जा रहा है अगर ऑनलाइन वो डाउनलोड हो जा रहा है तो। अब सी ऑप्शन है केवल एक सही है या डी ऑप्शन है दोनों सही है, तो दोनों के दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे हमारा वीडियो लाइक करते ही हमारा मनोबल बढ़ता है कि लगातार वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट कर पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।